दोस्तों ये है स्प्लेंडर प्लस। स्प्लेंडर प्लस बाइक में ट्यूबलेस टायर आते हैं। इस ट्यूबलेस टायर में एयर प्रेशर नहीं रह रहा है, टायर के अंदर एयर नहीं रह रहा है, तो कहाँ से लीकेज है वो हम देखेंगे। तो अभी इसमें एयर कितना है वो देखेंगे हम, एयर प्रेशर कितना है ये देखेंगे हम। देखिए दोस्तों अभी एयर प्रेशर दिखा रहा है 40। तो अब इसमें लीकेज कहाँ से वो देखेंगे हम। जहाँ पे लीकेज होगा वहाँ पे एयर निकलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से लीकेज है। तो दोस्तों टायर में कहीं भी लीकेज नहीं है। तो अब हमें इसका वाल आता है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे है वाल, इसको देखते हैं एयर लगा के। तो दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ से एयर लीकेज हो रहा है। आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से यहाँ से एयर लीकेज हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमें ये वाल है इसको चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से हम वाल चेंज करेंगे, देखें वीडियो में। तो पहले यहाँ से ये वाल को हमें निकालना है कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से ये इजीली निकल गया। देखिए दोस्तों ये वाल हमने निकाल दिया है। ये है पुराना वाला और ये है नया वाला। तो अब नया वाला ऐड करने के लिए हमें टायर को यहाँ से खोलना पड़ेगा। टायर को यहाँ पे खोल दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ से हमने टायर को निकाल दिया है, खोल दिया है। अब यहाँ से हम इसमें जो नया वाला वाल है वो ऐड करेंगे। तो पहले यहाँ से मैं कुछ क्लीन कर लेता हूँ उसको। ये है हमारा नया वाला वाल, इसको थोड़ा सा कर लेंगे। इसकी एयर पिन है इसको भी निकाल देते हैं। तो इनको हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे ऐड करना है। आप देख सकते हो और इसको यहाँ से, ये हमारी पिन है, इसको यहाँ से कुछ इसमें इस तरह से ऐड करना है। और इसको खींच लेना है। कुछ इस तरह से खींच लेना है इसको। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे नया जो वाल्व है वो लगा दिया है कुछ इस तरह से।